पिछले आधे घंटे की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस कर चुके थे ना। आज तो नहीं हो पाएगा चैप्टर, कल ही होगा, फिर भी आज आधे से ज़्यादा कराने का प्रयास करते हैं। देखो, आपको 10वां जो क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर ऐसे दे रखा है और कह रहा है एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय, तो दाएं अवकलज का मान ज्ञात करो। जब एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है ना, तो दाएं अवकलज बराबर बाएं अवकलज, ठीक है, तो दाएं अवकलज ज्ञात कर देना, इसमें तो कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, क्वेश्चन 11 आपको यहां एफ एक्स के बराबर कितना दे रखा है, मोड में साइन एक्स प्लस मोड में कॉस एक्स प्लस मोड में एक्स, कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू आर में सत्य सांतत्यता का परीक्षण करो, तब एक्स बिलोंग्स टू आर में सांतत्यता का परीक्षण करो, ठीक है। तो देखो, एक तरीका तो ये है इसका कि एफ एक्स बराबर ए ले लो आप, एफ ए प्लस एच, एफ ए माइनस एच, इस तरह से, पर बड़ा भी रहेगा और ए का मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पाई बाई टू पर अलग सिस्टम बैठ जाता है, पाई पर अलग सिस्टम बैठता है कॉस में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूसरी विधि काम में लेंगे। ये सब के सब संयुक्त फलन है, ये तो मापांक है, मैंने लिखा रखा है सदैव सतत होता है, ये दो संयुक्त हैं और मैंने संयुक्त का भी लिखा रखा है कि सदैव सतत और अवकलनीय होते हैं, अगर सॉरी दो सतत फलनों का संयुक्त सदैव सतत होता है, ऐसे लिखा रखा है। देखो कैसे करेंगे, चूंकि का चिन्ह लगा के कहेंगे कि साइन एक्स कॉस एक्स और मापांक सदैव सतत होते हैं, लिख देना है सदैव सतत होते हैं, चलो ठीक है, पर ये तो मोड साइन एक्स है ना कि साइन एक्स। अब हम क्या करते हैं, पुनः हम दर्शाना चाहेंगे कि मोड साइन एक्स जो है वो संयुक्त है, कि यदि जी एक्स तो मैं ले दूं मान लो मोड एक्स, और एच एक्स अगर मैं ले दूं ना साइन एक्स, तो जी ओ एच है ना, यानी कि जी ऑफ एच एक्स रख लो, जानो जी में क्या रख दो, एच एक्स रख दो, जी तो ये रहा और एच एक्स ये रहा, इसमें एच एक्स यानी कि साइन एक्स रख दो, यानी कि मोड साइन एक्स। ऐसे ही यदि के एक्स हम क्या मान लें, कॉस एक्स को, तो जी ऑफ के यानी जी ऑफ के एक्स कितना हो जाएगा, मोड कॉस एक्स, ठीक। तो हमने इनको संयुक्त फलन घोषित कर दिया है। अब मैं क्या लाइन लिखने वाला हूं, क्योंकि ये तीनों सतत हैं तो इनके संयुक्त भी क्या रहेंगे, सतत होंगे। हमें मालूम है कि संयुक्त जो सॉरी सतत फलनों का संयुक्त, सतत फलनों का संयुक्त सदैव क्या होता है भाई, सतत होता है। संयुक्त फलनों का सॉरी सतत फलनों का संयुक्त सदैव सतत होता है। तो ये तो हमने सतत पहले बता दिए तीनों, ये रहे हां मोड और ये हमने संयुक्त अब बताएं। तो ये जो संयुक्त फलन अब निकले हैं, कौन कौन,
जी ओ एच बा जी ओ के भी क्या होंगे, सतत होंगे। देखो क्या क्या सतत आ गया है, मोड साइन एक्स जी ओ एच सतत बता दिया, मोड कॉस एक्स सतत बता दिया और मोड एक्स पहले सतत बता दिया। अब बात आती है योग की, तो यह भी बता रखा है मैंने कि सतत फलनों का योग भी सतत होता है। फिर चूंकि का चिन्ह लगा के कि सतत फलनों का योग कैसा होता है भाई, सतत होता है। तो मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स प्लस मोड एक्स क्या होगा भाई, सदैव सतत होगा। ठीक है कि नहीं है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11वां हो गया। अब 12वां करते हैं भाई, ठीक। तो देखो भी मिटा देता हूं, अच्छी तरह मिटाना पड़ता है तभी जाके सही दिखता है। अभी तो इधर दिख रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कर रहे हैं ना। एफ एक्स आपको फलन दिया हुआ है साइन एम प्लस वन इंटू में एक्स, एम प्लस वन इंटू में एक्स जो दिख रहा है ना आपको, ये कोण है ना पूरा ही, ऐसा नहीं है कि साइन एम प्लस वन अलग है एक्स अलग है, ये यहां से यहां तक कोण ही है। प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स और वन बाई टू और एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन में टू, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स बराबर जीरो और एक्स लेस देन जीरो, कह रहा है इसमें कि फलन एक्स बराबर जीरो पर सतत है तो एम का मान ज्ञात करो। फलन एक्स बराबर जीरो पर सतत है तो एम का मान पूछ रहा है आपसे, तो विधि तो वही चलेगी ना, सतत होता है तो इसका मतलब तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन कौन से तीनों, एफ जीरो माइनस एच, एफ जीरो और एफ जीरो प्लस एच, ठीक है। चूंकि एक्स बराबर जीरो पर सतत है, चूंकि एक्स बराबर जीरो पर सतत है तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच बराबर एफ जीरो और बराबर में लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, एक्स बराबर जीरो पर सतत है तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच बराबर एफ जीरो और बराबर में एफ जीरो प्लस एच, ठीक है। ये तो है, जांच नहीं करनी है हमें, तो एम का मान ज्ञात करना है। अब एम इसमें तो है नहीं भाई, यानी कि जीरो से बड़े वाले में तो एम है नहीं, जीरो से छोटे वाले में है एम, और जीरो बराबर है एक बटे दो,
तो मेरा मतलब है इसमें तो एम है ही नहीं, तो इसे तो काम मिलेंगे नहीं भाई। जीरो से बड़े में एम नहीं है कहीं, जीरो से बड़े मतलब जीरो प्लस एच में एम नहीं आएगी, किस में आएगी? जीरो माइनस एच में, तो इन दोनों से। तब प्रथम दो से, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच बराबर एफ जीरो। अच्छा, ये तो जो कि तो लिख रहा हूं कौन, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच है, जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच है, यहां रख दो। साइन एम प्लस वन माइनस एच प्लस साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, समझ गए क्या किया है? जीरो माइनस एच का मतलब माइनस एच है, तो माइनस एच रखा है हमने इसमें एक्स की जगह, है ना, ये रख दिया। बराबर बराबर एफ जीरो का मान कितना आएगा? एक बटे दो। ऐसी स्थिति दो तीन बार आ गई है, माइनस एच का अलग अलग भाग दे दो आप, ठीक है, माइनस एच का अलग अलग भाग। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एम प्लस वन माइनस एच अपॉन माइनस एच प्लस साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच बराबर कितना भाई? एक बटे दो। मैंने कहा था यूं दो पदों तो ब्रैकेट लगा लिया करना, इससे क्या होगा, ये कथन दोनों के लिए लागू माना जाएगा। अब आगे सुनो, साइन थीटा अपॉन थीटा वन होता है ना, ये तो वन हो जाएगा, ये भी वन हो सकता है अगर इसमें एम प्लस वन होता। अरे नहीं होता है तो गुणा तो कर देते हैं ना अपन, कर दो गुणा। देखो बस अंतिम लाइन समझो, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एम प्लस वन इंटू माइनस एच अपॉन माइनस एच, एम प्लस वन का ऊपर नीचे गुणा, अंशवार में एम प्लस वन का गुणा, प्लस साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच बराबर कितना? एक बटे दो। ठीक है, देखो इससे क्या फायदा मिला, एक, ये भी कितना हो गया एक, तो कितना बचा एम प्लस वन, और यहां भी बनी तो बचेगा, यानी कि एम प्लस वन बराबर एक बटे दो। यहां से एम आ जाएगा, एक और एक दो ही तो हुआ, तो एक बटे दो में से अगर दो जाएगा कितना बचेगा भाई? माइनस के तीन बटे दो। ठीक, तो एम की वैल्यू कितनी रही? माइनस के तीन बटे दो। इसे नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां शायद मैंने करा दिया है, आज देख लूँगा, मैं नहीं कराया होगा तो कल करा दूँगा। बाकी करना क्या है, एम और एन के मान ज्ञात करवा रहा है ना, ऐसा और था क्या एम और एन का कोई सा? मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है करा दिया हो, आप प्रयास कर लेना अगर नहीं कराया होगा तो, और मैं देख लेता हूँ कराया कि नहीं कराया। आपको क्या करना है, एम और एन के मान ज्ञात करने, जबकि फलन सतत है, सतत है ना, सदैव सतत है, मतलब ऐसा कह रहा है, तो दो पर भी सतत है चार पर भी, तो एक्स रावर दो पर सतत्ता के शर्त लगा के हल कर देना, और एक्स रावर
चार पर सततता की शर्त लगाकर हल कर देना आप, ठीक है। ऐसा करने से एम और एन में दो संबंध आ जाएंगे, फिर एम और एन के मान ज्ञात कर लेना। बात आती है क्वेश्चन नंबर 14 में, पे जटिल तो है नहीं, वैसे ही करा दूं। एक्स बराबर जीरो पर परीक्षण करेंगे, एफ जीरो माइनस एच, कौन से में रखना पड़ेगा, टेन वाले में, लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन माइनस एच बटे साइन माइनस एच, यानी कि टेन एच अपॉन साइन एच, माइनस बारह के कट जाएंगे। अगर यहीं के यहीं जीरो रख दिया तो दिक्कत है क्या, टेन जीरो जीरो एच और साइन जीरो जीरो, पर अगर आप एच का अंश बाहर में भाग दे देते हैं टेन एच अपॉन एच और ऐसे इसमें साइन एच अपॉन एच, तो भैया टेन थीटा अपॉन थीटा एक होता है और साइन थीटा अपॉन थीटा एक होता है, ये दोनों एक हो जाएंगे, एक बटे एक कितना जाएगा एक, एफ जीरो कितना दे रखा है उसमें एक ही दे रखा है, और ऐसे ही एफ जीरो प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। इसका टर्निंग पॉइंट ये है, एच का अंश बाहर में भाग, टेन एच में भी दे दिया और साइन एच में भी दे दिया, ठीक। अब आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 14 बता दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है जटिल भाई, एक्स बराबर एक पर शांत तत्व कैसे देखते हैं, अरे तीनों मान देखो आप, तो नहीं हो तो बता देना मैं देख लूंगा, वैसे हो जाएगा जहां तत्व। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 16 पे, कितने क्वेश्चन है इसमें, 30 है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ, आपको यहां ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना पड़ेगा। एफ एक्स बराबर साइन ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स सी और एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स रूट एक्स, ये तो जब है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, सी का मान जब है जब एक्स बराबर जीरो, और ये ऊपर वाला जब है जब एक्स लेस देन जीरो। सवाल में कह रहा है, दिख रहा है कि साइन ए प्लस वन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स है ना, आपसे कह रहा है यह फलन x बराबर जीरो पर सतत है तो a b c के मान ज्ञात करो, यदि फलन x बराबर जीरो पर सतत है तो यदि फलन x बराबर जीरो पर सतत है तो ए कोमा बी कोमा सी के मान ज्ञात करो, ए बी सी के मान ज्ञात करो, तो जीरो पर सतत है मतलब तीनों मान बराबर होंगे और उसी से ए बी सी के मान आएंगे, कौन से तीनों मान, एफ जीरो माइनस एच, अब सतत चल रहा है ना, मतलब विभेद में पहुंच गए तो अवकलनीयता तो था दाएं अवकलज बाएं अवकलज, और सतत के में भी तीन थे, एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए बराबर एफ ए प्लस एच, तो चूंकि फलन एक्स बराबर जीरो पर सतत है तो तीनों मान बराबर कौन कौन, एफ जीरो माइनस एच बराबर एफ जीरो और बराबर में एफ जीरो प्लस एच,
चूंकि x बराबर जीरो पर सतत है तो तीनों मान क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। ठीक है, अब ये ज्ञात नहीं करने के बराबर हैं कि नहीं, बराबर तो ये हैं क्योंकि सतत तो ये है। आपको तो ए बी सी के मान ज्ञात करने, तो कैसे करेंगे सुनो, वही प्रथम दो अंतिम दो वाला सिस्टम जो है। अगर प्रथम दो ले लेते हैं यानी कि जीरो से कम और जीरो, जब तो इनमें संबंध स्थापित होगा, और अंतिम दो ले लेते हैं जीरो और जीरो प्लस एच यानी कि जीरो और जीरो सदिक, तो इनमें संबंध स्थापित होगा, और प्रथम और अंतिम ले लेते हैं तो इनमें और इनमें स्थापित होगा। प्रथम दो से स्टार्ट करते हैं, तीन वेरिएबल हैं ए बी सी जिनका मान ज्ञात करना है, तो तीन ही समीकरण चाहिए। प्रथम दो से ठीक है, प्रथम दो लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस h बराबर f जीरो। ठीक है, थोड़ी जगह कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। तो लिमिट h टेंस टू जीरो तो ज्यो की त्यों उतार रहा हूं मैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस h मतलब माइनस h है भाई, जीरो माइनस एच ही तो हुआ, तो x की जगह माइनस h रख दिया मैं, a साइन a प्लस वन माइनस एच प्लस साइन माइनस h अपॉन माइनस h बराबर, इसमें माइनस एच रख दिया है बराबर f जीरो जो कि कितनों है c, फिर माइनस एच का अलग अलग भाग, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए प्लस वन इंटू माइनस एच बटे माइनस एच प्लस साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। अच्छा, साइन एच अपॉन एच वन हो जाता है अगर कोण समान हो, साइन एच अपॉन एच वन हो जाता है अगर दोनों जगह समान हो, समान नहीं है असमान है, यहाँ ए प्लस वन है यहाँ नहीं है। अरे ए प्लस वन का अंशवार में गुणा कर दो, क्या बन जाएगा एक। ठीक है, ये तो एक, तो कितना बचा a प्लस वन प्लस, ये भी तो एक होगा एक बराबर c। अगर अपन इधर ही लेना चाहें तो a माइनस c प्लस दो बराबर जीरो, आया क्या एक समीकरण, बड़ा पड़ेगा भाई इस पर आ नहीं पाएगा ये। ठीक है, फिर भी करते हैं लाभ प्रयास। प्रथम दो को लिया तो a माइनस सी प्लस टू बराबर जीरो, a और c में संबंध स्थापित हो गया। अब अंतिम दो को ले रहा हूं, यहीं से स्टार्ट करेंगे और छोटा लिखेंगे थोड़ा। अंतिम दो से, अंतिम दो कौन कौन है, एफ जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच है। ठीक है, तो एफ जीरो का मान तो सी निर्धारित है पहले से ही। अब एफ जीरो प्लस एच का मान निकालना है, जीरो प्लस एच मतलब एच ही होता है, तो x की जगह आपको क्या रखना है h रखना है। तो कौन से में रखेंगे जीरो प्लस h, जो जीरो से बड़ा हो, जीरो से बड़े के लिए ये वाला है,
इसमें जीरो प्लस एच, जिसको मैं एच कहने लग रहा हूं अब, यानी कि इसमें क्या रखोगे आप, एच रख दो एक्स की जगह एच, लो रख दिए, एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस एच अपॉन बी एच अंडर रूट एच। सी तो जोंकी तो और लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखो अलग अलग भाग देना वाला भी तरीका है, पर नहीं नहीं उससे नहीं आ पाएगा यहां थोड़ी प्रैक्टिस भाई, जिस क्वेश्चन में जहां घूमता हो उसी जगह अच्छी प्रैक्टिस कर लो आप। मैं अभी क्या कर रहा हूं, एच स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं इसमें से, एच ले लो सॉरी, ताकि बाहर रूट एच आ जाएगा, ये रूट एच पूरा कंप्लीट हो गया, फिर ये रूट एच काट देगा, एच कॉमन ले रहा हूं केवल, तो अंडर रूट से बाहर तो अंडर रूट एच आएगा इसमें से लेंगे जब, क्या बचा दूं अंदर, वन प्लस बी एच माइनस रूट एच अपॉन बी एच रूट एच, ठीक है। सुन लो क्या कर रहा हूं मैं, रूट एच कॉमन आ जाएगा और ये रूट एच कट जाएगा, कट जाएगा ना, रूट एच कॉमन आके ये रूट एच कट जाएगा, तो ये आया कितना, सी बराबर लिमिट तो है ही है अंडर रूट में वन प्लस बी एच माइनस वन अपॉन कितना बी एच, रूट एच कॉमन आके इस रूट एच को काट दिया है। देखो ये वन प्लस बी एच की पावर वन बाई टू है ना, तो वन प्लस एक्स की पावर एन की तरह विस्तार करेंगे। अच्छा कब तक हल करना होता है, बार बार आप एच की वैल्यू जीरो रख के देख लो, अगर कोई संख्यात्मक मान प्राप्त होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं प्राप्त हो रहा है फिलहाल, आप एच जीरो रखेंगे तो देखो ये जीरो, तो अंडर रूट वन वन, वन माइनस वन जीरो, और नीचे भी जीरो, जीरो बटे जीरो बन रहा है। क्या किया जाएगा, इसका विस्तार होगा वन प्लस एक्स की पावर एन से, है क्या वास्तव में, सी बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये वन प्लस बी एच की पावर वन बाई टू है ना, माइनस वन अपॉन में एच, अब कर रहा हूं विस्तार, वन प्लस एक्स की पावर एन प्रारूप में लिख दिया मैंने, लिमिट तो चल ही रही है, देखो वन प्लस एक्स की पावर एन क्या रहा करता है, वन प्लस एन कितना है वन बाई टू, एक्स प्लस एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर टू, ऐसे अनंत पद और लास्ट वाला माइनस एक बटे एच ही है क्या, बी एच है नीचे, बी एच है। अच्छा वन से तो वन कट गया भाई, अगर बी एच कॉमन लेते हैं तो ये बी एच कट जाएगा ना, तो यानी कि ये आया सी बराबर, लिमिट तो चल ही रही है जब तक एच जिंदा है इसमें, ऊपर से बी एच कॉमन ले लिया मैंने, अंदर देखो वन बाई टू प्लस ये वाला पद वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन, बी एच लिया तो अकेला बी एच तो फिर भी बच गया अपॉन फैक्टर टू अपॉन बी एच, बी एच से बी एच कट गया। अब अगर आप एच जीरो रख देते हो ना, तो आगे के सभी पदों में एच निहित है, तो बे तो सब हो जाएंगे जीरो। सी बराबर यहां से आ गया कितना, एक बटे दो, ये समीकरण दो हो गया, ए और सी में संबंध आ गया, सी का मान आ गया, चलो सी के मान को यहां रख देंगे तो ए का मान भी आ जाएगा,
अब किसकी वैल्यू बची? बी। तो प्रथम और अंतिम, ये सरल पड़ेगा सिस्टम से देखना तुम, लगता है सरा बड़ा पड़ेगा पर बड़ा नहीं पड़ेगा। प्रथम व अंतिम से, प्रथम तो कितना है, लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस h, और अंतिम कितना है, लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो प्लस h। देखो लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस h का मान हम निकाल चुके हैं, कितना ये देखो, जब हमने कौन से लिए थे, प्रथम दो लिए थे ना ये दोनों, उधर तो c है और इधर की वैल्यू कितनी आई थी, आई थी a प्लस टू, ये अब जीरो माइनस एच का मान नहीं है, गौर करेंगे तो मैं देखते ही हूं, उल्टे हाथ पे अब जीरो माइनस एच का मान नहीं है, ये सीधे हाथ पे c एफ जीरो का मान है, तो a प्लस टू है, इसकी वैल्यू तो a प्लस टू, और f जीरो प्लस एच, ये अंतिम दो जो लिए ना इनमें देखो, उल्टे हाथ पे तो c है, सीधे हाथ वाला मान एफ जीरो प्लस एच का है, कितना आया था अंत में आया था देखो, कितना एक बटे दो, तो बराबर एक बटे दो, यहां से रख दिया हमने ऊपर से मान, यहां से a बराबर कितना आ गया, माइनस के तीन बटे दो, ये समीकरण तीन। तुम गौर करो b का तो कोई रोल ही नहीं आया, ठीक है, स्पष्ट है समीकरण या सततता बी पर निर्भर नहीं है, स्पष्ट है सततता जो है बी पर निर्भर नहीं है, तो दिख जाएगा क्या, थोड़ा सा मैं नीचा करना पड़ेगा मुझे, तो B belongs to कितना आ गया R, हाँ, और A और C के मान हमने निकाल लिए, A तो माइनस का तीन बटे दो और C कितना एक बटे दो, तीनों के मान आ गए भाई, है ना, ऊपर वाला ना देख रहा हो तो बैक करके, क्यों अभी मैंने कैमरा नीचे किया है ना, तो बैक करके लिख लेना, यूँ A B C के मान आ गए, तो आज तो ये होना ही नहीं है, कल ही होगा शायद, कल कराई देंगे बड़ी बड़ी वीडियो बना के, तो आपके 16 क्वेश्चन हो गए ना, इनकी आप आज प्रैक्टिस कर लेना। देखो आपको क्या करना है, वीडियो में से लिखने तो है ही हैं, लिखने के बाद प्रैक्टिस और चाहिए, अब मैं जब घर पे आऊँगा तो मुझे दो जगह सवाल चाहिएंगे, एक तो वीडियो में से जो उतारा है जो, और एक उसकी प्रैक्टिस करिए जो, ये न्यूनतम दो जगह होनी चाहिए, नहीं तीन तीन जगह होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, ठीक है, नोट कर लेना लो।